कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे अब तक। आज हम सेकेंड पार्ट में भारतीय कृषि यही अध्याय पढ़ा रहे थे वाले टर्म में, उसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न छूटे हुए हैं। अगले दिन फिर अगला अध्याय नया शुरू होगा। आज उसी कृषि अध्याय से पूछता है कि स्थानांतरित कृषि से क्या समझते हैं। हालांकि इसको हम बताएं, लेकिन वही चीज छोटे प्रश्न में पूछा जाता है एक नंबर वाले कि स्थानांतरित कृषि से क्या समझते हैं। तो जानिए यार कि स्थानांतरित कृषि क्या है। भूमिहीन किसान जिनके पास भूमि नहीं होती वे किसान खेती करने के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जंगलों को काट करके अपना खेत बना लेते हैं और खेत बना करके उस पर कृषि करते हैं। कुछ दिन कृषि करने के बाद जब धीरे धीरे वह जमीन अनुपजाऊ हो जाती है तब उसे वह छोड़ देते हैं। छोड़ करके फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरे जगह जंगल काटते हैं, उसको खेत बनाते हैं, फिर वहां पर कृषि करने लगते हैं। वहां भी बहुत दिनों तक कृषि करते हैं, वहां की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, फिर तीसरे जगह चले जाते हैं। इस तरह से वह स्थान बदलते रहते हैं और स्थान बदल करके कृषि करते रहते हैं और अपनी जीविका चलाते रहते हैं। तो ऐसी कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं, यानी स्थान बदल करके कृषि करना, ये स्थानांतरित कृषि है। मुद्रा दायनी फसलें, फसलों का नाम तो जानते हैं आप, लेकिन मुद्रा दायनी फसलों का मतलब ये शब्द ही बना है, मुद्रा दायनी मुद्रा देने वाली कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको किसान जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि उनको उनका उत्पादन जो है व्यापारिक दृष्टि से करता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए। तो जब ऐसी फसलों का उत्पादन आमदनी बढ़ाने के लिए करता है तो उन्हीं फसलों को मुद्राकालीन फसलें कहा जाता है, मुद्रा देने वाली, आमदनी बढ़ाने वाली। जैसे गन्ना, कपास, सरसों, इन तिलहन के अंतर्गत जितनी फसलें आती हैं, इन फसलों का उत्पादन करके किसान बेच देता है और बेच करके उससे जो अपनी आमदनी को बढ़ाता है। तो ऐसी ही फसलों को हम मुद्रा दायनी फसलें कहते हैं। आज है फिर अंत में चकबंदी, पूछता है चकबंदी से क्या समझते हैं, चकबंदी क्या चीज है। तो इसको समझिए, चक माने खेत होता ही है, बंदी बांधना खेत, यानी यहां भारत में उत्तराधिकार का नियम है, पिता के मरने के बाद उसके खेत के अधिकारी उसके पुत्र होते हैं। तो पिता के मरने के बाद अगर दो पुत्र हो गए तो उसमें भी खेत का बंटवारा हो जाता है, या किसान अपनी जमीन को खरीदता है, जैसे कहीं एक चक खरीद लिया फिर दूसरे जगह दूसरा चक खरीद लिया, तो इस तरह से उसके खेत जो है बिखरे होते हैं। तो छोटे छोटे आकार में बिखरे हुए खेत जो होते हैं उसमें कृषि करने में असुविधा होती है। आधुनिक कृषि में मशीनीकरण हुआ है, बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं, तो छोटे खेतों में उस यंत्र को चलाना मुश्किल हो जाता है, जैसे हार्वेस्टर वगैरह है। तो अब उन्हीं छोटे छोटे जोतों में जो बिखरे हुए चक हैं
उन्हीं को एक चक में परिवर्तित करना, उसका इकट्ठा करके एक चक बना देना ही चकबंदी। सरकार जो है इसीलिए चकबंदी पर ध्यान देती है, किसानों का खेत जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसको कृषि करने में सुविधा हो, एक ही पानी का साधन बना लेगा, पूरे चक में पानी जाएगा, एक ही जगह पर रह करके अपने पूरे खेत की रखवाली कर लेगा, तो इस तरह से उस किसान को सुविधा हो जाएगी, इसीलिए चकबंदी कराई जाती है। तो चकबंदी समझ गए, चकबंदी का मतलब हुआ चकों को बांटना है, छोटे छोटे आकार में बिखरे हुए चकों को मिलाकर एक बड़े चक में परिवर्तित कर देने की क्रिया को ही चकबंदी कहा जाता है। धन्यवाद। शेष अगला अध्याय जो अगले दिन से शुरू होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए।